हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की हमारी ये वीडियो यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप सभी के साथ कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसे फॉलो करके हम बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना सिखा सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसका फर्स्ट स्टेप है अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स। जब भी आप बच्चों को अल्फाबेट्स के लेटर सिखाएं तो उन्हें फोनिक साउंड्स की हेल्प से सिखाएं। हर एक लेटर्स की एक साउंड होती है। अगर आप साउंड्स की हेल्प से बच्चों को लेटर्स सिखाते हैं तो उन्हें वर्ड्स रीड करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे ए का साउंड होता है ए, 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 एप्पल। बी का साउंड होता है ब, बी, ब, बैट। सी, क, कैट। डी, ड, डॉग। ई का साउंड होता है ए, ई, ए, एग। एफ, फ, फैन। जी, ग, गन। एच का साउंड होता है ह, एच, ह, हैट। आई का साउंड होता है ई, आई, ई, इग्लू। जे, ज, जग। के, क, काइट। एल, ल, लायन। एम, म, मैंगो। एन, न, नेस्ट। ओ, ओ, ऑरेंज। पी, प, पैन। क्यू, क्व, क्वीन। आर, र, रैट। यस, स, सन। टी, ट, टाइगर। यू, अ, अम्ब्रेला। वी, व, वैन। डब्ल्यू का साउंड होता है व, डब्ल्यू, व, वॉच। एक्स, एक्सरे। वाई, य, याक। जेड, ज, जेब्रा। सो बिल्कुल इस तरह से जब भी आप बच्चों को अल्फाबेट्स के लेटर सिखाएं तो उन्हें फोनिक साउंड्स की हेल्प से ही रीड कराएं। ऐसा करने से उन्हें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो आसानी से 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना सीखेंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है व्हाट इज द बिगनिंग साउंड, सर्कल इट। आप बिल्कुल इस तरह से सिंपल इमेजेस बनाकर बच्चों को दें और उसका बिगनिंग साउंड बच्चों को पहचानने के लिए कहें। जैसे कि ये टैग की इमेज है, इसे बच्चों को सबसे पहले पहचानना है टैग। अब टैग बोलते वक्त जो सबसे पहला साउंड आ रहा है क्या आ रहा है, ट, ट, टैग, यानी कि टी। पैड, प, पैड। पी। कैंडल, क, सी। पेंसिल, प, पी। लोटस, ल, एल। मैट, म, एम। मैप, म, एम। बैट, ब, बी। जैम, ज, जे। लाइक दिस। थर्ड स्टेप इज व्हाट इज द एंडिंग साउंड, टिक इट। यहाँ पर बच्चों को एंडिंग साउंड पर ध्यान देना है और उसे टिक करना है। जैसे ये वैप की इमेज है, तो वैप बोलते वक्त लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है, वैप, ब, वैप, ब का साउंड आ रहा है, यानी कि बी को हम टिक करेंगे। नेट, ट, ट का साउंड आ रहा है तो टी को टिक करेंगे। टैन, न, एन। मग, ग, जी। रॉड, ड, डी। टॉप, प, पी। हट, ट, टी। सन, न, एन। गन, न, एन। सो इस तरह से आप बच्चों को बिगनिंग साउंड एंड देन एंडिंग साउंड की प्रैक्टिस जरूर कराएं। कुछ दिनों तक लेटर की फोनिक साउंड प्रैक्टिस करवाने के बाद आप बच्चों को 2 लेटर वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाई है और कुछ लेटर्स इंक्लूड किए हैं, तो हम बच्चों का छोटा सा रिवीजन लेंगे और सभी लेटर्स की फोनिक साउंड उन्हें करवाएंगे। देन आप इस तरह से बच्चों को 2 लेटर वर्ड ज्वाइन करके लिखना और उसकी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एन ओ नो, टी ओ टू, एम वाई माई, बी ई बी, एम ई मी, I N in, U yes us, O N on, O R or, G O go। 2 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाने के बाद आप बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स बनाकर उसके साउंड्स की हेल्प से पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसे ब, ए, ट, बैट।
at mat. H at hat. R at rat. K at cat. F at fat. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ए का साउंड होता है ए, न का साउंड होता है न. अब इसे जॉइंट करके हम थ्री लेटर वर्ड्स बनाना सिखाएंगे. जैसे क ए न कैन, फ ए न फैन, प ए न पैन, र ए न रैन, ज ए न जैन, लाइक दिस. नेक्स्ट आप बच्चों को फोनिक ड्रिल की प्रैक्टिस करवा सकते हैं. जैसे ए ब, क ए ब कैप, द ए ब डैप, ल ए ब लैप, न ए ब नैप, ट ए ब टैप. ए ड, ब ए ड बैड, ड ए ड डैड, ह ए ड हैड, ल ए ड लैड, म ए ड मैड. ए ग, b ag bag, l ag lag, n ag nag, r ag rag, s ag sag. a m, d am dam, h am ham, j am jam, r am ram, f am fam. a n, b an ban, k an can, F an fan, M an man, P an pan. So ये रहे हमारे कुछ सिंपल स्टेप्स. अब स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से बच्चों को रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी. आप सभी को यह वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.